डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। कौन सा गाना है आमिर के दिल के करीब? क्या थी करीना की फेवरेट शूटिंग लोकेशन? क्यों शाहरुख खान का रखा गया कैमियो? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो बॉलीवुड मूवीज और गानों का रिश्ता ही अलग है। अगर मूवी के गाने अच्छे होते हैं तो मूवी का 90% प्रमोशन अपने आप ही हो जाता है। आखिर म्यूजिक ही तो है जो हम सबसे कनेक्ट करता है। तो क्या लाल सिंह चड्ढा के गाने हैं अमेजिंग? क्या ऑडियंस खींची चली जाएगी थिएटर्स में सिर्फ गानों के लिए? और इन सब गानों में से कौन सा है आमिर का फेवरेट? आमिर से जब उनके प्रमोशनल इंटरव्यूज में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका फेवरेट गाना अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आमिर का मन पसंद लाल सिंह चड्ढा का गाना अभी तक दर्शकों के सामने नहीं आया है। ये गाना 24 जून 2022 को रिलीज होगा। मेकर्स ने इस सॉन्ग का पोस्टर ऑलरेडी आउट कर दिया है। पोस्टर में आमिर अपनी वर्दी में दिख रहे हैं और नीचे बैठे हैं उनकी आंखें करीना की आंखों को देख रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। वहीं करीना ने अपना हाथ आमिर के गाल पर रखा हुआ है, जिससे उनकी आमिर के लिए परवा झलक रही है। ये पोस्टर है फिर न ऐसी रात आएगी गाने का। मेकर्स इसे जून में रिलीज करेंगे और ये आमिर का लाल सिंह चड्ढा का फेवरेट गाना है। अभी तक इस गाने के सिंगर का तो पता नहीं चला है, लेकिन आमिर का दावा है कि ऑडियंस को ये गाना बेहद पसंद आएगा। इस गाने में आमिर ने बताया कि बहुत दर्द है, ये दर्द है अपने प्यार के साथ उस हसीन रात को बस एक बार जीने का, वो रात जो हर रोज नहीं आती और वो रात जो हर कोई बार बार जीना चाहता है। इस गाने में प्यार की महक होगी और जुदाई का दर्द भी, इसीलिए इस गाने के इमोशंस आमिर के दिल के काफी करीब हैं। आमिर के हिसाब से ये गाना साल का सबसे बड़ा लव सॉन्ग हो सकता है। आमिर खुद भी इस गाने को बार बार सुनना पसंद करेंगे, इसीलिए ये गाना उनका फेवरेट बन गया है। देखना ये होगा कि क्या दर्शकों को भी ये गाना उतना ही पसंद आता है या नहीं। वैसे तो लाल सिंह चड्ढा 100 लोकेशंस पर शूट हुई है, लेकिन इसमें से कौन सी है करीना की फेवरेट लोकेशन? तो लाल सिंह चड्ढा के लिए करीना कपूर को बहुत सी जगह ट्रैवल करना पड़ा था, लेकिन ये एक जगह जो है करीना की फेवरेट, वहीं करीना का स्केड्यूल नहीं आया। जी हाँ, करीना की फेवरेट लोकेशन है लद्दाख। करीना को वहाँ शूटिंग करना बहुत पसंद है। इससे पहले उन्होंने आमिर के साथ ही 3 Idiots में पैंगोंग लेक के आसपास शूटिंग की थी और उनका इस बार भी बहुत मन था, लेकिन उनके रोल की डिमांड वहाँ नहीं थी। लाल सिंह चड्ढा की टीम 20 दिन के शूटिंग शेड्यूल पर लद्दाख गई थी। मूवी के लिए एक वॉर का सीन वहाँ शूट होना था, इसीलिए टीम का 3 वीक्स वहाँ ही शेड्यूल था। जब करीना से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें भी वहाँ शूट करना था, बट नेक्स्ट टाइम। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख है सच में इतना सुंदर कि बेबो का दिल वहाँ है? और कौन सी होगी आमिर की फेवरेट शूटिंग लोकेशन? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। लाल सिंह चड्ढा में बॉलीवुड के फेमस, हम सब के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान का कैमियो भी है। ये कैमियो बहुत स्पेशल है, जिसे खुद आमिर खान ने दिल्ली में डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान इस कैमियो में अपनी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि प्रोफेशनल रीजंस की वजह से दिखेंगे। शाहरुख की रेड चिलीज VFX टीम लाल सिंह चड्ढा का पार्ट है। शाहरुख ने इसके लिए ट्वीट भी किया था कि प्राउड टू बी अ पार्ट। इसकी वजह से शाहरुख खान ने भी मूवी में कैमियो दिया है। अब उनकी टीम ने कैसे स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर करें।